अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे आए काहे नहीं अभी तक, हैं? बखत तो हो गया है। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए, विराजिए। ए बिंदिया, पंडित जी के लिए पानी लेकर आ। हाँ, और सुन, वो रेबा को जरा भेजना। ठीक है बुआ जी। पंडित जी तैयारी के साथ आए हैं ना? बढ़िया। हाँ जी, आपने बुलाया हमें। जी, हमने बुलाया आपको। ये पंडित जी हैं, इनको अपना जन्म तिथि जरा बताना। वो देखेंगे कि तुम्हारे कुंडली में कौनो दो सोच तो नहीं है ना। हमारी कुंडली, लेकिन क्यों? अरे पंडित जी तुम्हारे लिए नया रिश्ता लेकर आए हैं। वो क्या है ना, जितने बुरे हम लगते हैं ना, उतने हैं नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। किसी एक लड़के से तुम्हारी कुंडली मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, ये सब क्या बोल रही हैं आप? अब क्या है ना कि दुनिया में हमारा जन्म ही पुण्य करने के लिए हुआ है। तुम्हारा शादी हो जाएगा, घर बस जाएगा, हमारे हिसाब में एक और पुण्य जुड़ जाएगा। जय हो। आपको पुण्य करना ही है तो किसी और के साथ कीजिए ना। हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप लोग कौन होते हैं? और आप लोगों को क्या लगता है कि इस हवेली में हमें इस तरह कैद करके हर बात पे आप लोगों की मनमानी चलेगी? हमारी सोच पे, हमारी जिंदगी पे और हमारे भविष्य पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। समझे आप लोग, हमें कोई शादी नहीं करनी। यह लड़की काहे नहीं करने शादी? हाँ, कौन बड़े घर का राजकुमार फंसा रखा हुआ है का? हमारी ना एक सलाह है आपको, किसी इंसान को इतना भी मत सताइए कि उसके दिल से आपका डर ही खत्म हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस हवेली में चुपचाप शांति से काम करते रहे तो आइंदा हमारे सामने ये बात भी मत कीजिएगा। एकदम सही कह रही है अम्मा, ये लड़की। काय पड़े इसकी शादी के पीछे? हे बबुआ, तुम का उसके वकील हो जो आ गए दलीलें देने? चलो जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ये जिद नहीं छोड़ देती। अरे भाई, इसकी शादी से तुम्हारे कलेजे में काहे ज्वालामुखी फट रहे हैं? माजरा काहे? बस कीजिए आप लोग। हमारी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को है, और वो है हम खुद। समझे आप लोग? इसलिए हमारे सामने आइंदा ये बात भी मत कीजिएगा। और वैसे भी हम इस घर में काम करने आए हैं,
खरीदा नहीं आप लोगों ने हमें। ऐसा लगता है जैसे इस घर में ये लोग हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। समझ नहीं आ रहा कि इस नर्क से बाहर कैसे निकले। कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है? चिल्लाइए मत, जाइए और जाके अपना सामान पैक कीजिए। क्यों? आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। चलिए अब। लेकिन अगर किसी ने देख लिया या कोई जाग गया तो? कोई नहीं देखेगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई सुबह तक जागेगा नहीं, क्योंकि हमने सबके खाने में नींद की गोली मिला दी है। देखिए रेवा जी, हम मानते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आप हमें ऐसी घूरती रहेंगी तो सुबह हो जाएगी। जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। हाँ ठीक है। एक सेकेंड, अरे काहे अपनी ऐसी की तैसी करा रही है, स्टार्ट काहे नहीं हो रही? एक सेकेंड रे भाई, अब कोई बात नहीं, आप ना आप बस हमें बाहर तक छोड़ दीजिए, बाकी हम खुद चले जाएंगे। हाँ अरे खुद क्यों चले जाएंगे, कैसी बातें कर रही हैं रेवा जी? ये हेलीकॉप्टर लाए ना आपके लिए, इस पे छोड़ेंगे आपको। एक सेकेंड रुक जाइए, बस अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हो रही, ए राम प्यारी हाथ जोड़ते हैं, स्टार्ट हो जाओ ना यार, हमारी वैसी इज्जत का फल उतार कर दिया तुमने। राघव जी आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए ना, बाकी हम खुद देख लेंगे, बस अड्डा पास ही में। पास
पास में नहीं है रेवा जी, 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर आपको 8 किलोमीटर पास लग रहा है? ऐसी बातें कर रही हैं। है भोलेनाथ, रेवा जी स्टार्ट हो गए। इतनी रात गए कौन कार से बाहर जा रहा है भाई? आइए 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 चलिए आइए। ईश्वर, तो रेबा और राघव है। अरे दैया रे, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सारे घर वालों को बताना होगा। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।